गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने पिछले पार्ट में चैप्टर 4 लॉस्ट स्प्रिंग के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो लेखिका हैं अनीस जंग, उन्होंने किस तरह से वो साहिबे आलम नाम के एक लड़के की बारे में हमें बताती हैं, और किस तरह से वो बताती हैं कि कचरा बीनने वाला वो एक लड़का जो नंगे पैर रहने वाले अपने मित्रों के साथ उनकी गली में दिखाई देता था, और फिर उसके बाद कि वो जब उड़ीपी के किसी व्यक्ति द्वारा सुनाई गई किसी कहानी के बारे में भी बताती हैं कि किस तरह से एक पुजारी का लड़का जो रोज़ मंदिर के रास्ते जाता था और भगवान से प्रार्थना करता था कि उसे भी एक जोड़ी जूते दें, फिर वो उन लड़कों के बारे में भी सोचने लगती हैं कि उनके पड़ोस में जो कचरा बीनने वाले लड़के हैं उनकी तरह ही और भी कई और बच्चे हैं जो बिना जूतों के रहते हैं। अब हम इसके आगे का भाग पढ़ेंगे, देखिए। माय एक्वेंटेंस विद द बेयर फूट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। माय एक्वेंटेंस, मेरा परिचय विद द बेयर फूट रैग पिकर्स, उन नंगे पैर वाले रैग पिकर्स कचरा बीनने वाले लड़कों के साथ, यानी जो लड़के थे कचरा बीनने वाले उन लड़कों के साथ, लीड्स मी टू सीमापुरी, वो मुझे सीमापुरी ले जाता है। ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, एक ऐसा स्थान जो दिल्ली की, पेरीफेरी का मतलब होता है परिधि, जो दिल्ली की परिधि में है लेकिन फिर भी माइल्स अवे, मीलों दूर है फ्रॉम इट उससे, मेटाफरिकली यानी लाक्षणिक रूप से, उसके लाक्षणिक रूपों से वो उससे कई मील दूर है। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वैटर्स, दोज हु लिव हेयर, वे लोग जो यहाँ रहते हैं, जो लोग यहाँ रहते हैं आर स्क्वैटर्स, स्क्वैटर्स का मतलब होता है गैर कानूनी रूप से रहना, यानी जो ज़बरदस्ती या गैर कानूनी तरीके से रहते हैं उन लोगों के बारे में कहा है कि जो लोग यहाँ रहते हैं वो स्क्वैटर्स हैं, यानी गैर कानूनी रूप से रहते हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश से 1971 में आए थे। साहिब्स फैमिली इज अमंग्स देम, और साहिब का परिवार भी उनमें से ही था। सीमापुरी वाज देन ए विल्डरनेस, विल्डरनेस का मतलब होता है खाली स्थान या बीहड़, कि सीमापुरी तब एक बीहड़ था यानी खाली स्थान था। इट स्टिल इज, और ये अभी भी है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये उतना अधिक खाली नहीं है। स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टेरापुलिन, डिवॉइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिव 10,000 रैग पिकर्स, यानी इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, स्ट्रक्चर्स यानी ढांचे, ऑफ मड मिट्टी के बने हुए ढांचे, यानी जो मिट्टी, कच्ची मिट्टी के बने हुए घर हैं, विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टेरापुलिन, रूफ्स ऑफ टिन यानी टीन और टेरापुलिन से बनी हुई छतों वाले जो मिट्टी के घर हैं, डिवॉइड ऑफ सीवेज, जहाँ सीवेज का मतलब होता है गंदा पानी, जहाँ गंदे पानी के लिए, गंदा पानी निकालने के लिए जहाँ बिल्कुल जगह नहीं है, एक ऐसी जगह, ड्रेनेज रनिंग वाटर, जो नालियों का पानी है गंदा, वो बहता हुआ पानी, ऐसी जगह में लिव 10,000 रैग पिकर्स, 10,000 रैग पिकर्स यानी कचरा बीनने वाले लोग रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, और वे लोग यहाँ 30 सालों से भी अधिक समय से यहाँ रहते हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी आइडेंटिटी परिचय के, बिना किसी परिचय के, विदाउट परमिट्स, बिना अनुमति के, बट विद राशन कार्ड, लेकिन राशन कार्ड के साथ, उनके पास ना तो कोई परिचय पहचान पत्र, कोई प्रमाण पत्र है, ना ही कोई अनुमति है, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है। That get their name on voters list, जो कि उनके नामों को voters list में जगह दिलाते हैं, यानी
उनके पास ना तो कोई पहचान पत्र है कि वो कहाँ से आए हैं और ना ही उनके पास कोई अनुमति है यहाँ रहने की, लेकिन फिर भी उनके पास राशन कार्ड है और राशन कार्ड होने की वजह से उनका नाम वोटर लिस्ट में है एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, जो उन्हें अनाज खरीदवा देता है, यानी जिसकी वजह से उन्हें अनाज मिल जाता है। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, फूड यानी खाना, खाना सर्वाइवल जीने के लिए अधिक ज़रूरी है देन एन आइडेंटिटी, किसी पहचान से, यानी खाना किसी पहचान से जीने के लिए कहीं अधिक ज़रूरी है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज, अगर दिन के ख़त्म होने पर हम अपने परिवार को खिला सकते हैं, एंड गो टू बेड विदाउट एकिंग स्टमक, और बिस्तर पर बिना किसी पेट दर्द के चले जाते हैं, यानी कि ये पेट भरे हुए मतलब बात है कि खाली पेट नहीं जाएं, क्योंकि खाली पेट जाते हैं तो कहते हैं ना कि खाली पेट नींद नहीं आती, तो कि बिना दर्द के, पेट में बिना दर्द के बिस्तर पर चले जाते हैं। वी वुड रेदर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, तो हम यहाँ अच्छी तरह से रहते हैं उन खेतों की अपेक्षा, दैट गेव अस नो ग्रेन, जो हमें अनाज नहीं देता। से ए ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड सारी व्हेन आई आस्क देम, उनमें से उस महिलाओं के समूह में से एक ने कहा इन टैटर्ड साड़ी, टैटर्ड का मतलब है फटी हुई, एक फटी हुई साड़ी पहनी हुई एक महिला ने कहा, व्हेन आई आस्क, जब मैंने पूछा देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, कि उन्होंने अपनी उस सुंदर हरी भरी भूमि को, जमीन को और नदियों वाले उस स्थान को क्यों छोड़ा। वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं भी उन्हें खाना मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स, वे अपने टेंट्स, पिच यानी लगा लेना, वे अपने टेंट्स लगा लेते हैं या गाड़ लेते हैं। बिकम ट्रांजिट होम्स, और ट्रांजिट का मतलब होता है नॉट परमानेंटली, और वो वहाँ अस्थाई रूप से अपने घर बना लेते हैं, जो चीज़ परमानेंट ना हो उसे कहते हैं ट्रांजिट। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे भी उनमें ही बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वहीं पर उनके सर्वाइवल यानी उनके जीने के लिए पार्टनर्स भी बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सर्वाइवल यानी जीने के लिए, सीमापुरी में जीने का मतलब है रैग पिकिंग, रैग पिकिंग यानी कचरा बीनना, यानी सीमापुरी में उनका अस्तित्व बनाए रखने के लिए, उनके जीने के लिए जो अर्थ है वो है रैग पिकिंग। थ्रू द ईयर्स, और कई सालों से, इट हैज़ एक्वायर्ड ए प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, ये एक फाइन आर्ट का मतलब होता है ना ललित कला, कि ये एक ललित कला का एक हिस्सा बन चुकी है, यानी जो कचरा बीनना है वो उनके लिए एक ललित कला का हिस्सा बन चुका है, उसका रूप उसने ले लिया है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, और जो गार्बेज है, जो कचरा है, वो उनके लिए गोल्ड यानी कि सोने के बराबर है, सोने जैसा मतलब है उनकी संपत्ति। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यही उनकी डेली ब्रेड यानी रोज़ की ब्रेड यानी रोटी है, रोजी रोटी है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, और उनके सिर की छत है। इवन इफ इट इज़ ए लीकिंग रूप, भले ही वो लीकिंग क्यों ना हो, यानी कि टपकती हुई छत ही क्यों ना हो, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, और एक बच्चे के लिए ये छत, ये जो टूटी हुई छत है, वो इससे कहीं भी अधिक है। आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी, मुझे एक रुपया कभी कभी मिल जाता है, इवन ए 10 रुपी नोट, और कभी 10 रुपये का नोट भी। साहिब से, साहिब ने कहा। हिज आइज लाइटेड अप, उसकी आँखें, जब ये उसने कहा तब उसकी आँखें चमक उठी। वैन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, और जब कभी आप गार्बेज के हीप यानी ढेर में, कचरे के ढेर में कोई सिल्वर का सिक्का, कॉइन प्राप्त कर सकते हो, यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर,
तो आप कभी भी नहीं रुकोगे ढूंढने से, इस उम्मीद में कि आपको इससे अधिक मिल जाएगा। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, और ऐसा ही उन बच्चों के साथ प्रतीत होता था। गार्बेज हैज़ ए मीन डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन टू देयर पेरेंट, और कचरे का मतलब उनके लिए अलग था उनके माता पिता के मतलब से। यानी जो मतलब उनके लिए कचरे का था, वो मतलब उनके माता पिता के लिए नहीं था, इसलिए उनके माता पिता से इस कचरे का मतलब उनके लिए अलग था। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल। बच्चों के लिए इस कचरे में ढका हुआ एक आश्चर्य था, मतलब कोई आश्चर्य की चीज़ थी इस कचरे में ढकी हुई, लेकिन बड़ों के लिए, एल्डर्स के लिए इस कचरे का मतलब था जीने का साधन, सर्वाइवल यानी जीने का साधन। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट, एक सर्दी की सुबह मैंने देखा साहिब को स्टैंडिंग खड़े हुए बाय द फेंस्ड गेट ऑफ नेबरहुड क्लब, पड़ोस के एक क्लब के दरवाजे पर, चार दीवारी वाले दरवाजे पर मैंने खड़े हुए देखा। वॉचिंग टू यंग मैन, वो दो आदमियों को देख रहा था ड्रेस्ड इन वाइट, जो सफ़ेद कपड़े में पहने थे, प्लेइंग टेनिस लाइक द गेम, जो टेनिस जैसा कोई गेम खेल रहे थे। ही हम्स, वो गुनगुनाता है, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और उसी फेंस उस चार दीवारी के पीछे खड़ा हुआ उन्हें देखता हुआ संतुष्टि से वो गुनगुनाता है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, मैं अंदर जाता हूँ जब कोई नहीं होता है। ही एडमिट्स, वो स्वीकार करता है, द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और गेट कीपर यानी कि जो उसका चौकीदार है वो मुझे झूले प्रयोग करने के लिए देता है, यानी वो मुझे झूले झूलने देता है। साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, साहिब भी टेनिस के जूते पहने था, टेनिस शूज पहने था। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट, जो कि उसकी डिसकलर्ड यानी कि बेरंगी शर्ट के साथ अजीब लग रहे थे, एंड शॉर्ट्स, और नेकर के साथ, जो उसकी बेरंग शर्ट और नेकर के साथ अजीब लग रहे थे। समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे इन्हें दिया है। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, उसने एक एक्सप्लेनेशन के तरीके से यानी व्याख्या करने के तरीके से ये कहा। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज, और तथ्य यही था कि वो जूते डिस्कार्डेड थे यानी फेंके हुए थे, ऑफ सम रिच बॉय, किसी अमीर लड़के के द्वारा, हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर, जिसने शायद उन्हें पहनने से इनकार कर दिया होगा, बिकॉज ऑफ ए होल वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से एक में छेद था। डज नॉट बॉदर हिम, जो उसे परेशान नहीं करता था। फॉर वन हु वॉक्स, फॉर वन हु हैज वॉक बेयरफुट, जो उसे परेशान नहीं करता था क्योंकि वो नंगे पैर चलता था। इवन शूज विद ए होल इज़ ए ड्रीम कम ट्रू, और एक होल के साथ, एक छेद के साथ वो जूते उसे किसी सपने के सच होने से जैसे लग रहे थे। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन वो खेल जिसे वो देख रहा था इंटेंटली बहुत ही ध्यान से, इज आउट ऑफ हिज रीच, वो उसकी रीच यानी उसकी पहुंच से बाहर था। यानी जो शूज़ उसे मिले थे, जो जूते टेनिस खेलने वाले जो जूते थे, वो उसे एक छेद के साथ भी मिले तो भी उसे ऐसा लग रहा था कि उसका कोई सपना सच हो गया, लेकिन जिस खेल को वो इतने ध्यान से देख रहा था वो खेल खेलना उसकी पहुँच से बहुत बाहर था। दिस मॉर्निंग, और इस सुबह यानी आज सुबह, साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, साहिब अपने मिल्क बूथ यानी दूध की दुकान के रास्ते पर था। इन हिज हैंड इज ए स्टील कनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कनिस्टर था। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, मैं अब सड़क के नीचे उस चाय की दुकान पर काम करता हूँ। ही सेज, उसने कहा,
पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पर इशारा करते हुए। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपये मिलते हैं और ऑल माई मील्स यानी सभी वक्त का खाना। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे ये जॉब पसंद है। आई आस्क, मैंने पूछा। हिज फेस आई सी, मैंने देखा उसका चेहरा। हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसके चेहरे का वो केयर फ्री लुक यानी जो लापरवाही भरा जो चेहरा था उसका, वो कहीं खो चुका था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, और जो स्टील का कैनिस्टर था वो उसके उस प्लास्टिक बैग से कहीं अधिक भारी था। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जिसे वो बहुत ही आसानी से बहुत हल्के से अपने कंधे पर रखता था। द बैग वॉज हिज, और वो बैग उसका अपना था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, और कैनिस्टर उस आदमी से संबंध रखता था हु ओन्स द टी शॉप, जो उस चाय की दुकान का मालिक था। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अब अपना मालिक नहीं रहा था। ये थी साहिब की कहानी, साहिब आलम नाम के लड़के की कहानी। ये जो पार्ट है ये दो कहानियों में बटा हुआ है। अब तक हम जो कहानी पढ़ रहे थे वो थी साहिब आलम नाम के लड़के की कहानी, जो कि एक रैग पिकर्स यानी कचरा बीनने वाले लड़कों में से था। और ये जो दूसरी कहानी है ये है मुकेश की कहानी, जो कि चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। अब हम उसकी कहानी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार ड्राइव करना चाहता हूँ, चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश अपना मालिक बनने पर जोर देता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूँगा। ही अनाउंसेस, वो घोषणा करता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, मैंने पूछा, क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना सीख लूँगा। ही आंसर्स, वो उत्तर देता है। लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज, सीधा मेरी आँखों में देख कर। हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिराज अमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल्स हिज टाउन फिरोजाबाद, फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। हिज ड्रीम, उसका जो सपना है वो लूम्स का मतलब होता है धुंधला, धुंधला दिखाई देता है। लाइक ए मिराज, मिराज का मतलब होता है मृग मरीचिका। जो मृग मरीचिका आप लोगों को समझ में आएगा, जैसे मान लीजिए कोई रेगिस्तान है, रेगिस्तान में जब वो लहरें सी बनती हैं तो ऐसा लगता है कि वहाँ पानी था। तो जिस तरह से रेगिस्तान में हमें पानी का मिराज दिखाई देता है, उसी तरह से ये जो सपना था मुकेश का वो भी एक मृग मरीचिका की तरह दिखाई देता था। एमिस द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, उन गलियों की धूल में यानी उस शहर की गलियों की धूल में। दैट फिल्स हिज टाउन फिरोजाबाद, जो कि फिरोजाबाद में था, फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, जो अपनी बैंगल्स यानी अपनी चूड़ियों के लिए फेमस था, प्रसिद्ध था। यानी अपनी चूड़ियों के लिए जो प्रसिद्ध शहर है फिरोजाबाद, उसकी गलियों की धूल में उसका जो सपना था वो एक मृग मरीचिका के समान धुंधला सा दिखता था। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, एवरी अदर फैमिली, हर दूसरा परिवार इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है। यानी फिरोजाबाद का हर एक परिवार, हर एक दूसरा परिवार कांच की चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, और ये भारत का ग्लास ब्लोइंग जो कांच है, कांच धमन इंडस्ट्री यानी उद्योग, कांच धमन उद्योग का केंद्र है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस, जहाँ कई परिवारों की कई पीढ़ियाँ बिता चुकी हैं। वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, फर्नेस का मतलब होता है भट्टियाँ, उन्हीं भट्टियों के चारों ओर काम करते हुए, वेल्डिंग ग्लास, ग्लास को जोड़ते हुए, मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाते हुए, फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स,
ऐसा प्रतीत होता है कि इस पृथ्वी की सभी औरतों के लिए चूड़ियाँ बनाना, ग्लास को जोड़ना और इन भट्टियों के चारों ओर काम करके ही उस परिवार की कई पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम। मुकेश का परिवार उनमें से ही एक था। None of them know, उनमें से कोई नहीं जानता that it is illegal, कि ये illegal यानी गैर कानूनी है for children like him, उसके जैसे बच्चों के लिए to work in the glass furnace, कांच की भट्टी में काम करना with high temperature, ऐसे ऊंचे तापमान के साथ, अधिक तापमान वाले उस कांच की भट्टी में काम करना in dingy cells, और डिंगी का मतलब होता है बहुत ही अंधेरी और गंदी, एक सेल्स का मतलब कोठरी, इन अंधेरी और गंदी कोठरियों में विदाउट एयर एंड लाइट, बिना रोशनी और बिना हवा के, यानी इन गंदी और अंधेरी कोठरियों में बिना हवा और बिना रोशनी के ऊंचे तापमान वाली कांच की भट्टियों के सामने काम करना, और वो भी इतने छोटे बच्चों के लिए, ये गैर कानूनी है, ये बात उनमें से कोई भी नहीं जानता था। दैट द लॉ इफ इन्फोर्स, अगर ये कानून, इफ इन्फोर्स, एन्फोर्स का मतलब लागू करना, अगर ये कानून लागू कर दिया जाए कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन, तो ये उन 20,000 बच्चों को निकाल सकता है आउट ऑफ हॉट फर्नेस, उन गर्म भट्टियों से, वेयर दे स्लॉग देयर डे नाइट डे लाइट आवर्स, जहाँ वो, स्लॉग का मतलब होता है कठिन कार्य करना, जहाँ वो कठिन कार्य करते हैं दिन की रोशनी के घंटों में, जहाँ वो दिन की रोशनी के घंटों में कठिन कार्य करते हैं, उन उस वहाँ से वो 20,000 बच्चों को बाहर निकाल सकता है। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और अक्सर वहाँ बच्चे अपनी आँखों की ब्राइटनेस, चमक को खो बैठते हैं, यानी उनकी आँखों की रोशनी चली जाती है। मुकेश आइज बीम, बीम का मतलब चमकना। मुकेश की आँखें चमक उठी एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, जब उसने मुझे घर ले जाने की, वॉलंटियर्स का मतलब होता है पेशकश करना, जब उसने मुझे घर ले जाने की पेशकश की। विच ही प्राउडली सेज इज बींग रीबिल्ट, और जिससे वो गर्व से कह रहा था कि उसका घर रीबिल्ट यानी दोबारा बन रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चॉक्ड विद गार्बेज, वी वॉक डाउन, हम चलते रहे स्टिंकिंग लेन्स, उन बस बदबूदार गलियों में चॉक्ड विद गार्बेज, जो कि गार्बेज यानी कचरे से चॉक्ड यानी रुकी हुई थी। पास्ट होम्स, उन घरों से गुजरते रहे दैट रिमेन हॉवेल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, जो उन टूटी फूटी दीवारों के साथ गंदे से थे। बॉबली डोर्स, बॉबली का मतलब होता है डगमगाना, डगमगाते हुए दरवाजों के साथ। नो विंडोज, जहां कोई खिड़की नहीं थी। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, जो मनुष्यों और जानवरों के परिवारों के साथ भरे हुए थे। Coexisting in a primeval state, coexisting का मतलब था एक साथ रहना, in a primeval state यानी जो आदिवासी होते हैं ना, पुराने जमाने के लोग, उन आदिवासियों की तरह उस अवस्था में एक साथ मनुष्यों और जानवरों के परिवारों के साथ भीड़ भरे हुए रहते थे। He stops at the door of one such house, वो ऐसे ही एक घर के दरवाजे पर रुकता है। बैंक्स ए बॉबली आयरन डोर, और एक डगमगाते हुए लोहे के दरवाजे को हटाता है विद हिज फुट, अपने पैर से, एंड पुशेज इट ओपन, और उसे धक्का देते हुए खोलता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ट शैक, शैक का मतलब होता है कोई झोपड़ी नुमा घर, और हम एक झोपड़ी में जो कि हाफ बिल्ट आधी बनी हुई थी उसमें प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, और उसके एक हिस्से में, थैच्ड विद डेड ग्रास, डेड ग्रास का मतलब होता है सूखी या मरी हुई जो घास होती है, उसका छप्पर था। इज ए फायरवुड स्टोव, और एक फायरवुड यानी लकड़ी का स्टोव, ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिंच लीव्स, और एक स्टोव के ऊपर
विच सिट्स ए लार्ज वेसल, जिसमें कि एक बड़ा बर्तन रखा हुआ था, ऑफ सिजलिंग स्पेनक लीव्स, उसमें स्पेंच लीव्स यानी पालक की पत्तियां सिजलिंग मतलब उबल रही थी, ऑन द ग्राउंड और ज़मीन पर इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, बड़ी एल्यूमिनियम की प्लेट में आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, कटी हुई सब्जियां रखी थी। ए फ्रेल यंग वुमन, एक फ्रेल यानी कमज़ोर, एक कमज़ोर युवा महिला इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए शाम का खाना बना रही थी। थ्रो आइज फिल्ड विद स्मोक, यद्यपि उसकी आँखें धुएं से भरी थी, शी स्माइल्स, वो मुस्कुराई। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, जो उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं है, शी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, लेकिन उसे बहू के रूप में सम्मान मिलने लगा था। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, उस घर की बहू, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ थ्री मैन, जो पहले से ही तीन आदमियों को, हर हस्बैंड, अपने पति मुकेश एंड देयर फादर और उसके पिता की इंचार्ज थी, यानी उन तीनों को संभालती थी। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, और जब बूढ़ा आदमी प्रवेश करता है, शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वो उस टूटी हुई दीवार के पीछे धीरे से खिसक जाती है, एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपने चेहरे पर वेल यानी घूंघट को रख लेती है। एज कस्टम डिमांड, जैसी कि रिवाज है, जैसी कि प्रथा है, डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, बहुओं को मेल एल्डर्स के सामने यानी कि बुजुर्गों के सामने अपने चेहरे पर घूंघट ले लेना चाहिए। इन दिस केस, और इस मामले में, द एल्डर इज एन इम्पावरिश्ड बैंगल मेकर, और इस मामले में जो बैंगल मेकर है, जो एल्डर व्यक्ति है, जो कि बूढ़ा व्यक्ति है, वो एक इम्पावरिश्ड बैंगल मेकर है। इम्पावरिश्ड का मतलब होता है अत्यंत निर्धन, एक बहुत ही गरीब और चूड़ी बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, अपने कई वर्षों के कठिन मेहनत के बावजूद, फर्स्ट एज ए टेलर, पहले तो एक दर्जी के रूप में, देन ए बैंगल मेकर, फिर एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में, ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट ए हाउस, वो एक घर को रेनोवेट करवाने में असफल रहता है, यानी घर को मरम्मत करवाने में असफल हो चुका है। सेंड हिज टू सन्स टू, और अपने दोनों बेटों को भेजने में स्कूल, और अपने दोनों बेटों को स्कूल भेजने में, ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, और वो उन्हें वही सिखाने में सफल रहा जो वो जानता था, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने की कला। आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, और इसके आगे का भाग हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, और फिर उसके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।